आज मैं मुरादाबाद के अंदर हूँ और करूला क्षेत्र के अंदर दसराय के अंदर हमारे कजिन भाई हैं, हमारे खालू हैं, हमारा खाला का लड़का है, उनके साथ जो बर्बरता की गई है आपको मैं दिखाऊंगा कि उनको मारा गया है और उसी के साथ साथ उनको जय श्री राम के नारे लगवाए गए हैं। आप इनकी जुबानी खुद सुने, इनके मुंह से कितना बुरा देश का माहौल कर दिया इन लोगों के। मैं आपको सुनवाता हूँ, देखिए आप सुनिए। सुनिए आप इनकी मुंह की। भाई मैं अपने साइड पर से काम करके आ रहा था, पापा पीछे बैठे थे, ये लोग तीन जने दारू पी के गाड़ी इतनी तेज चला रहे थे, आने के साथ इनसे थोड़ा सा टकराव हुआ। मैंने कहा भाई गाड़ी का हॉर्न दे लो, तो उनने छुट्टे बोला अबे कट वे आगों को बढ़ जा, हम तेरी माँ छोड़ देंगे। छुट्टे के साथ ही उसने पापा को ऊपर मेरे हमला कर दिया। CCTV फुटेज में उसमें कम से कम अज्ञात लोग जो हैं, उसमें 12-13 जो लोग हैं, पुलिस ने सिर्फ एक ही लोग को बरामद कराया, वो भी मैंने पकड़ के दिया है पुलिस को। तो मैं क्या नारे लगवाएगा तुझसे? और मारते समय मुझसे और पापा को ये कहा, बोले मारो इन्हें कटरों को, जो बोले जय श्री राम, बोले बोल जय श्री राम, जय श्री राम के मुझसे जबरदस्ती नारे लगाए गए। और देखिए मैं आपको, देखिए ये इनको भी जो है मारा गया है, इनके आप माथे पे देख सकते हैं, इनको बुरी तरह से मारा है और इनकी दाढ़ी को खींचा गया है। आप खुद देख सकते हैं कितनी बुरी हालत है, देश के अंदर इन्होंने जीना हराम कर रखा है। और देखिए हम चौकी के पास खड़े हुए हैं, देखिए देखिए कितनी बुरी तरीके से मारा गया है इसको, और इसको जय श्री राम के नारे लगवा गए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करा जाए इसको, देखिए देखिए क्या हाल किया गया है। दोस्तों मैं आपका दोस्त शाकिर खान सोशल वर्कर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये करूला मुरादाबाद दस राय चौकी का जो है मामला है, और इसके अंदर एक शख्स को जो हमारे खाला का लड़का है, मेरा कज़िन ब्रदर है, उसको और हमारे खालू को बहुत बुरी तरीके से मारा गया है और इनकी दाढ़ी को जो है पकड़ा गया है और जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं इनको। ये देश के अंदर जीना दुश्वार कर रहे हैं लोग, आप देखिए क्या हालत है इसकी हालत ख़राब कर दी है मार के कम से कम।